हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बेस्ट बजट वायरलेस ईयरफोन्स। मैंने अनदर वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं पहले भी जो है बेस्ट वायरलेस ईयरफोन्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने 1000 रुपीज़, 1500 और 2000 रुपीज़ के रेंज में जो बेस्ट वायरलेस ईयरफोन थे उनके बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बेस्ट बजट वायरलेस ईयरफोन्स अंडर 3000 रुपीज़। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये जो रेंज है वो सबसे बेस्ट रेंज है, क्योंकि इस रेंज में आपको एक से बढ़कर एक जो है ईयरफोन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अभी तक ऐसा हो रहा था कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, जैसे किसी में साउंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, किसी में बैटरी लाइफ में, तो इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ रहा था। लेकिन जो 3000 की रेंज है उसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ईयरफोन्स मिल जाएंगे, अच्छी ब्रांड के ईयरफोन्स मिल जाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो पे आप लोगों को बने रहना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे चैनल के 5000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो गाइस, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब हो जाइए, ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सके और मैं आप तक ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लेकर आता रहूँ। तो गाइस, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं techplusgadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के पांचवें नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो उसका नाम है टैग इन्फेर्नो। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो हमारी 2000 वाली जो वीडियो थी उसमें फर्स्ट नंबर पे था, लेकिन इस वीडियो में हमने इसको जो है फिफ्थ नंबर पे रखा है। काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ जो है ओवरऑल इसमें आपको अच्छा मिल जाता है। अगर मैं आपको इसकी डिज़ाइन वगैरह के बारे में बता दूं, तो ये जो है स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो है आपको ईयर क्लिप्स बहुत अच्छा मिल जाएगा। लाइक बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं, ना गिरेगा जब आप जिमिंग वगैरह करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको अलग से ड्राइवर जो है ईयर पीस में ही मिलेंगे, और बैटरी वगैरह जो है वो भी ईयर पीस में मिलेगा। अगर आपको कंट्रोलिंग वगैरह करना है, अपने साउंड वगैरह को बंद करना है या पॉज करना है, तो आप जो है राइट जो पीस है उनका वहीं से जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो है IPX5 को भी सपोर्ट करता है, तो वाटर रेजिस्टेंस, वाइट प्रूफ वगैरह जो है आराम से ये झेल लेगा, आपको कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं देगा। और उसके साथ साथ अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी की बात करूँ, तो ये जो है CSV साउंड क्वालिटी के साथ आता है। तो इसका जो म्यूज़िक वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है, रिच बेस आपको देता है, आर्टिफिशियल टाइप का जो है बेस आपको नहीं मिलेगा, ओरिजिनल जो बेस होता है वो इसमें सुनने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी बढ़िया है, लाइक आपको 6 से 7 घंटे तक का बैटरी लाइफ आराम से दे देगा, और 2 घंटे तक का जो है ये चार्जिंग टाइम लगाता है। तो गाइस, ये ईयरफोन जो है अगर आपको परचेस करना है, तो इसका प्राइस जो है वो 2000 रुपये से लेके 2400 रुपये तक जो है पड़ जाता है। लाइक ये वेरी करता रहता है, सेल में इसका प्राइस 2000 रुपये हो जाता है, लेकिन अभी जो इसका करंटली प्राइस है वो शायद 2300 रुपये है, चेंज भी हो गया होगा, लेकिन मैं अगर ओवरऑल मिनिमम मैक्सिमम बता दूं, तो ये 2000 से 2400 के बीच में ही मिल जाता है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसकी जो बेस्ट बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर के वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो उसका नाम है JBL T110BT। काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ ईयरफोन है। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, ये JBL का इकलौता ऐसा ब्लूटूथ ईयरफोन है जो बजट में आप लोगों को मिल जाता है, वो भी अच्छी खासी स्पेसिफिकेशन के साथ। अब अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूँ, तो इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये जो है आपको फ्लैट वायर में मिलेगा, कोई नेकबैंड टाइप का इसमें नहीं मिलेगा। उसका फ़ायदा ये है कि ये जो है टांगने में बहुत ज़्यादा हल्के लगते हैं, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है, तो इसको आप टांग के लॉक कर सकते हो, तो जिसके कारण आपका ब्लूटूथ ईयरफोन इधर उधर नहीं होगा, और काफ़ी ज़्यादा लंबे वायर ईयरफोन के साथ ये आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो इसमें आपको प्योर बेस और साउंड क्लैरिटी जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, JBL के मैं वायर ईयरफोन्स भी यूज़ कर चुका हूँ और वायरलेस ईयरफोन भी यूज़ कर चुका हूँ। इसका जो साउंड होता है, साउंड बिल्कुल आपको आर्टिफिशियल टाइप का बेस नहीं मिलेगा, नॉर्मल बेस मिलता है, लेकिन जो आप इसमें बीट्स वगैरह होती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं, आपको समझ में आता है। तो अगर आप एक म्यूज़िक लवर हैं, आप अगर म्यूज़िक को थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार JBL का साउंड क्यों अच्छा है। तो अगर आप लोग वोकल्स और बेस वगैरह सब कुछ बैलेंस सुनना चाहते हैं, तो ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स है वो काफ़ी बढ़िया है। अब अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ के बारे में बात करूँ, तो इसका बैटरी लाइफ 7 आवर्स का आपको मिल जाएगा, और ये 2 घंटे लगाता है चार्ज होने में। इसका प्राइस जो है वो हमें 1950 रुपीज़ मिल जाएगा। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं, तो इसकी बेस्ट बाइंग लिंक
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट के तीसरे नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन की। तो वो हमें मिल जाता है वन मोर की तरफ से, वन मोर आईबी फ्री। ये काफ़ी बढ़िया ब्लूटूथ ईयरफोन है गाइज। अगर आप लोग अच्छी डिज़ाइन, अच्छे कंफर्ट के साथ अच्छा साउंड क्वालिटी चाहते हैं, तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन मैं आप लोगों के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि इसकी जो बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। ये भी आपको जो है नेक बैंड के साथ नहीं मिलेगा, एक सिंगल वायर के साथ मिलेगा, लेकिन इसके अगर डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपको 45 डिग्री का एंगल दे देगा, जिसके कारण इसकी साउंड क्वालिटी आपको बिल्कुल परफेक्ट मिल जाती है। और आप लोग इस तरीके के हैं कि जो आप म्यूजिक की हर एक बीट को सुनना पसंद करते हैं, कोई भी बीट को मिस करना नहीं पसंद नहीं करते, तो ये जो ईयरफोन है आप लोगों के लिए सबसे अच्छा है। उसके साथ साथ ये इसमें आपको ब्लूटूथ 4.1 की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जिसके कारण इसकी जो कनेक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। इसमें आपको APTX का जो कोडेक होता है, जिसके कारण HD साउंड आपको मिलता है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी इसमें आपको मिल जाएगी। तो काफी अच्छा ओवरऑल ये ब्लूटूथ ईयरफोन है। इसकी जो बैटरी बैकअप है वो कम से कम 7 से 8 घंटे तक का आराम से आपको दे देगा, 2 घंटे तक का जो है ये चार्जिंग टाइम लगाता है। और इसका जो प्राइस है वो आप लोगों को 2499 रुपीज़ मिल जाएगा। ये भी जो है वेरी करता रहता है, लाइक थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा कम होता है। सेल में जो है इसका प्राइस जो है वो 2200-2300 रुपये तक आराम से चला जाता है। तो आप लोग जो है इस पर नज़र बना के रखिए, बहुत जल्दी ये कभी कभी सेल में चला जाता है। तो सेकंड नंबर का जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो हमें मिल जाता है स्कल कैंडी की तरफ से, INK D। ये काफ़ी पॉपुलर ब्लूटूथ ईयरफोन रहा है और अभी के टाइम पे भी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से सेल होता है। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, जिस तरीके से मैंने JBL के बारे में बताया कि उसका सबसे बेस्ट बजट ब्लूटूथ ईयरफोन बताया, उसी की तरीके से जो ये स्कल कैंडी है वो भी एक काफ़ी प्रीमियम कंपनी है, तो उसका एक बेस्ट बजट ब्लूटूथ ईयरफोन जो है वो यही है, INK D करके इसका मार्केट में जो है सेल किया जाता है, काफ़ी अच्छा है। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बता दूं तो इसका डिज़ाइन वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि आप बाकी के ईयरफोन्स देखते हैं उन्हीं की तरीके से है, लेकिन इसका जो नेक बैंड है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है नेक बैंड आपको रबर का मिल जाता है, तो जिसके कारण आपको इश्यू नहीं होता है। बाकी के जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उसके रबर तो रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, लेकिन इसका जो है, इसको मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो उसका जो नेक बैंड है वो काफ़ी अच्छा है। आपको इनलाइन रिमोट जो है आपको मिल जाएगा, वहीं पर आप जो है म्यूज़िक वगैरह को चेंज कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट को भी जो है इनेबल कर सकते हो। उसके साथ साथ ये जो है साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है, अगर आप डिटेल म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होगा। और ऐसे लोग जो EDM म्यूज़िक को सुनना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ये वोकल्स के साथ साथ बेस वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा सिंक्रोनाइज़ करके आप लोगों तक जो है पहुँचा देता है। इसमें आपको एक्स्ट्रा क्वालकॉम इस तरीके की चिपसेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें ज़रूरत ही नहीं है। स्कल कैंडी का खुद का एक साउंड है जो काफ़ी बढ़िया है, अच्छी प्रीमियम क्वालिटी के साथ ही आपको मिल जाता है। अब अगर इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है 2400-2500 रुपये तक का आपको मिल जाएगा। बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नंबर के ब्लूटूथ ईयरफोन को बताने से पहले अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको जस्ट आपको प्रेस करना है, सब्सक्राइब हो जाना है, ताकि ऐसी वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। तो गाइस, फर्स्ट नंबर का जो ब्लूटूथ ईयरफोन है उसका नाम है सोनी W1C300। काफी अच्छा ब्लूटूथ ईयरफोन है, और मैं आप लोगों को बता दूं ये जो ब्लूटूथ ईयरफोन है वो कोई नया ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं है, काफी पुराना है, ज्यादा भी पुराना नहीं है, लाइक मिड का है, लेकिन अच्छे खासे तरीके से ये सेल हुआ है, क्योंकि ये एक ब्रांडेड ब्लूटूथ ईयरफोन है, सोनी की तरफ से मिलता है और काफी अच्छे प्राइस में हमें मिल जाता है। अगर मैं इसको बताऊं कि यार फर्स्ट नंबर पे इसको क्यों रखा है, तो इसमें आप मुझे काफी ज्यादा रीजन आप लोगों को बताने पड़ेंगे। जो बेस्ट रीजन है वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो है NFC को सपोर्ट करता है। NFC को सपोर्ट करने पर अगर आपका फोन भी NFC को सपोर्ट करता है तो आप वन टैप सिंगल टैप में जो है इसको जो है कनेक्ट कर सकते हो, तो कनेक्टिविटी के मामले में काफी अच्छा है। उसके साथ ये ब्लूटूथ 4.2 को भी सपोर्ट करता है, IPX5 को सपोर्ट करता है, तो वाटर रेजिस्टेंस, वाइट प्रूफ वगैरह सब कुछ है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है कि ये इसका जो बैटरी लाइफ है काफ़ी कमाल की है, 8 घंटे तक जो है इसका कंटिन्यूस बैटरी बैकअप है। तो अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग टाइम की तो 1.5 से 2 घंटे में जो है ये फुल चार्ज हो जाता है। उसके साथ साथ वाइब्रेशनल नोटिफिकेशन के साथ आता है, तो अगर आप इसको गले में टांगते हो और आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन या फिर फ़ोन कॉल आता है तो ये जो ईयरफोन है वो वाइब्रेट हो जाता है। उसके साथ साथ इसका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, क्रिस्टल साउंड आपको इसमें मिल जाता है, उसके साथ साथ रिच बेस, और इसका जो वोकल्स वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो गाइज, अगर आप एक ब्रांडेड अच्छा ब्लूटूथ ईयरफोन चाहते हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग बैटरी लाइफ के साथ कोई ब्लूटूथ ईयरफोन चाहते हैं तो ये ब्लूटूथ ईयरफोन जो है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये आपको 1 साल की वारंटी भी दे देता है। मैं अगर इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो जितने मैंने ब्लूटूथ ईयरफोन बताए हैं उसी के बराबर का इसका प्राइस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस है। इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है वो 2268 रुपीज़ है, अभी के टाइम पे चेंज होता रहता है। तो अगर आप इसको प्राइस चेक करना चाहते हो तो लिंक जो
है मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं इसका करंट प्राइस, उसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये जितने भी ब्लूटूथ ईयरफोन बताए हैं आप इनमें से कोई ना कोई ब्लूटूथ ईयरफोन परचेस करेंगे। अगर परचेस करते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कौन सा जो है ब्लूटूथ ईयरफोन परचेस किया है। और अगर आप मेरी ही डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से परचेस करते हैं तो आपकी तरफ से हमारे चैनल को सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।